नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की तरफ से दोस्तों यूपी बोर्ड के कक्षा 10वीं और 12वीं के रिजल्ट को लेकर काफ़ी अच्छी गुड न्यूज आप सबके लिए निकल के आ रही है। जो ऑफिशियली साइट है दोस्तों उसको अपडेट किया गया है, रिजल्ट लिंक को अपडेट किया गया है, यानी कि दोस्तों अब रिजल्ट आपका अपलोड होना स्टार्ट हो गया है। और रिजल्ट दोस्तों आपको कब और कैसे देखना है दोस्तों, और कब तक आपका रिजल्ट आ जाएगा, मार्कशीट आपकी रिजल्ट के कितने दिन बाद जारी की जाएंगी, और इस बार दोस्तों आपका कैसा रिजल्ट रहने वाला है, पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी दोस्तों। और ऑफिशियली साइट पर क्या अपडेट दोस्तों दिया हुआ है, और जो दिनेश शर्मा हैं शिक्षा मंत्री, उनकी तरफ से भी बयान आपका रिजल्ट को जारी करने को लेकर आया है। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं, वीडियो को पूरा जरूर देखना। साथ में दोस्तों अगर आप यूपी बोर्ड के कक्षा 10वीं और 12वीं के छात्र हैं, सभी प्रकार की अपडेट लेना चाहते हैं, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को दोस्तों में शेयर भी कर देना अगर आपने पहले से ही सब्सक्राइब करके रखा है। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ऑफिशियली साइट को दोस्तों अपडेट किया गया है, क्लास 12th और क्लास 10th के जो स्टूडेंट हैं उनका रिजल्ट जारी होना है। 56 लाख स्टूडेंट रजिस्टर्ड हैं दोस्तों। अभी तक आपकी रिजल्ट डेट की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन बयान पहले ही आ चुका है कई मीडिया रिपोर्ट की माने तो इसी सप्ताह में या अगले सप्ताह तक कभी भी आपका रिजल्ट जारी हो सकता है। मगर जो रिजल्ट डेट की घोषणा है दोस्तों वो नहीं की गई है आधिकारिक तौर पर, तो आपका रिजल्ट किसी भी समय दोस्तों ऑफिशियली साइट पर आ सकता है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि जो रिजल्ट है वो दूसरे सप्ताह में जारी किया जाएगा। कक्षा 10वीं और 12वीं के रिजल्ट एक साथ जारी होंगे। यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं और 12वीं के रिजल्ट जल्द जारी करने वाला है। इस वर्ष बोर्ड की परीक्षाओं के रिजल्ट के लिए दोस्तों लगभग 56 लाख स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन हैं और रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। इसी सप्ताह आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, कल आपका शाम तक रिजल्ट साइट पर अपलोड कर दिया जाएगा, क्योंकि साइट को अपडेट किया गया है और रिजल्ट आपका अपलोड होना स्टार्ट हो गया है। जो हिंदुस्तान टाइम्स है उसने अपडेट किया है कि रिजल्ट आपका साइट पर अपलोड होना जो है चालू कर दिया गया है, लेकिन अगर आपका रिजल्ट ज़्यादा लेट होता है तो 15 जुलाई से पहले आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। दिनेश शर्मा शिक्षा मंत्री यह घोषणा कर चुके हैं कि बोर्ड परीक्षाओं का रिजल्ट जुलाई के दूसरे सप्ताह में, दूसरा सप्ताह चल रहा है, कल शाम तक आपका रिजल्ट दोस्तों ऑफिशियली साइट पर आपको देखने को मिल सकता है। मगर रिजल्ट जो दोस्तों आपका आएगा वो एक वेबसाइट पर नहीं आएगा, क्योंकि साइट है वो हैंग हो जाती है, इसकी वजह से दोस्तों आपका रिजल्ट है वो 4 से 5 वेबसाइट पर जारी होने वाला है, और इसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं दोस्तों। क्योंकि कक्षा 10वीं 12वीं का रिजल्ट एक साथ जारी होगा तो ऐसे में आपका हैवी ट्रैफिक रहेगा, 56 लाख स्टूडेंट अपना रिजल्ट चेक करेंगे, तो ऐसे में दोस्तों आपको जो क्या कि आपकी जो 4 से 5 होस्टिंग वेबसाइट है उस पर रिजल्ट जारी किया जाएगा, जैसे कि हिंदुस्तान रिजल्ट, इंडिया रिजल्ट, यूपी रिजल्ट और भी दोस्तों अन्य वेबसाइट हैं, और आपका जो upmspeducation.in जो ऑफिशियली वेबसाइट है उस पर भी आपका रिजल्ट आएगा। तो इससे आप आसानी से रिजल्ट चेक कर पाओगे। रिजल्ट चेक करने के लिए आपको क्या करना होगा, रजिस्ट्रेशन संख्या आपको स्कूल से लेनी होगी, या फिर आपको इनरोलमेंट नंबर आपको स्कूल से ले लेना है दोस्तों, उसी से आप अपना रिजल्ट चेक कर पाओगे, क्योंकि इस बार आपके रोल नंबर जारी नहीं किए गए हैं। तो रजिस्ट्रेशन नंबर से आप अपना रिजल्ट देख पाओगे। जब आप फॉर्म भरते हैं तब आपको रजिस्ट्रेशन नंबर जो है मिलता है, सभी स्टूडेंट का अलग अलग रजिस्ट्रेशन होता है, तो वहाँ से आप स्कूल से संपर्क करके अभी ले सकते हैं, वरना बाद में आपको रिजल्ट देखने में परेशानी भी हो सकती है। और रिजल्ट दोस्तों हो सकता है आपका डेट ऑफ बर्थ से या फिर नाम से देखने को मिले, लेकिन ऐसा अभी दोस्तों अपडेट नहीं है, लेकिन आपको जो है रजिस्ट्रेशन नंबर से ही अपना रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो जल्द ही दोस्तों आपका रिजल्ट आने वाला है, मार्कशीट रिजल्ट के 7 से दोस्तों यहाँ पर 10 दिन के अंदर है वो जारी हो जाएगी, तो आराम से आप अपना रिजल्ट है वो जैसे ही आता है उसके 10 से 15 दिन के अंदर आप अपनी मार्कशीट है दोस्तों वो स्कूल से ले सकते हैं, क्योंकि मार्कशीट भी तुरंत ही जो है तैयार की जा रही है साथ साथ में, ताकि जल्दी से जल्दी सभी स्कूलों में पहुँचा कर आप अपनी मार्कशीट ले पाएँ। तो दोस्तों ये आज की बहुत बड़ी अपडेट थी, जैसे यूपी बोर्ड का रिजल्ट आता है, आज रिजल्ट डेट की घोषणा भी हो सकती है शाम तक, क्योंकि आज मीटिंग होने की जो अपडेट आ रही है। तो दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि UPMSP की बोर्ड रिजल्ट से संबंधित कोई भी अपडेट आए आपको सबसे पहले मिल जाए। जय हिंद, वंदे मातरम।